दोस्तों सबसे पहले आप मेरी लॉन्ग जंप देखो, और सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा आप सबसे पहला पार्ट वन देखो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तभी आप ये पार्ट देखना अगर आपको फिजिकल क्लियर करना है, जंप अच्छी लगानी है तो। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, लॉन्ग जंप के पीठ पे आ चुके हैं। सबसे पहला लाइन जो सबसे पहला लाइन है वो 10 फीट है लड़कियों के लिए, ठीक है। और जो दूसरा लाइन है ये है 14 फीट, जो भाई दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं वो चीज़ मांगा है। अब दोस्तों सबसे ज़्यादा क्वेश्चन है, मैं आपको बताऊंगा जंप कैसे इंप्रूवमेंट आएगा, पहले आप समझने की कोशिश करना, क्योंकि मैं आपको स्टार्टिंग से बता रहा हूँ। आपको जो मैं पार्ट वन पार्ट टू पार्ट थ्री दे रहा हूँ आपको स्टार्टिंग से बता रहा हूँ। सबसे पहले क्वेश्चन आया मेरे पास टेक ऑफ के ऊपर, टेक ऑफ। तो दोस्तों क्या है टेक ऑफ? टेक ऑफ ही है, ठीक है। बहुत बंदे गलती क्या करते हैं, जंप आए ठीक है, बस यहाँ पे पैर रख के कूद गए, ऐसे जंप नहीं निकलेगी, ठीक है। टेक ऑफ का मतलब है अगर भागते भागते और आपको लगना चाहिए टेक ऑफ, उठना चाहिए टेक ऑफ। जो मैंने आपको जो ABC ड्रिल्स पहले बताई ना, वही काम आएगा टेक ऑफ। मैंने आपको क्या बताया था ABC में, आप कुछ भी एक्सरसाइज कर रहे हो जमीन टच होती जल्दी जल्दी, ये क्या चीज़ है, यही चीज़ है दोस्तों। यहाँ पे जितनी जल्दी मार के ऊपर उठोगे, समझो मेरी बात को, टच हुआ ऊपर उठना है। अगर आपने बॉडी को दबा दिया, बॉडी को दबाना, जैसे भागते भागते आ रहे हो स्पीड स्लो करी और यहाँ पे बॉडी को दबा के आराम से उठ रहे हो, लॉन्ग जंप नहीं निकलेगा। आपको क्या फोकस रखना है, आए भाग के टच हुआ जंप, बस आपको यहाँ से मूवमेंट फास्ट रखना है टेक ऑफ, ठीक है। फाउल का भी मैं बताऊँगा। दूसरा हाइट के ऊपर, हाइट का भी यही सिस्टम है, जो टेक ऑफ आपका अच्छा हो जाएगा तो हाइट ऑटोमेटिक उठने लग जाएगा। अगर हाइट का फिर भी समझ नहीं आता तो मैं आपको क्या बताता हूँ, अगर आपको 14 फीट है लॉन्ग जंप, ठीक है, आप अपने हिसाब से चाहे किसी बंदे से रस्सी पकड़वा लो बीच में, या इतना ऊंचा करके कुछ भी रख सकते हो। इससे क्या होगा, जब आप लॉन्ग जंप करोगे तो आपकी हाइट ऑटोमेटिक उठने लग जाएगी। हाइट का कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, लेकिन बहुत बंदों का हाइट की वजह से ही कम से कम 2-3 फीट कम हो जाता है। जिसको लगता है भाग के आया और वो ऐसे गिर गया, तो समझ जाओ कि उसकी हाइट कम है। आप ये वाली वीडियो देखो। वीडियो आपने देख लिया होगा, अगर आपकी ऐसे जम जाती है तो समझ लो आपको हाइट पे काम करना है और टेक ऑफ पे काम करना है, ठीक है। तो तीसरा पॉइंट हमारे पास क्या आया था, क्वेश्चन जो आया सबसे ज्यादा, देखो मैं आपको पूरा बताऊंगा कैसे कैसे करना है। मैं आपको क्वेश्चन का पहले आंसर दे रहा हूँ, फिर मैं अपने तरीके से बताऊंगा कैसे फॉलो करना है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन ये आया था कि भाई लैंडिंग पे बताओ, लैंडिंग सबसे पहले मैं बता दूं, बहुत बंदे सबसे ज्यादा गलती इसी में करते हैं, और जिसकी लैंडिंग अच्छी होगी ना कम से कम 2-3 फीट बढ़ा सकता है। और आपको मैं बता दूं, चाहे 10 दिन हो चाहे 15 दिन, जिस तरह मैं बता रहा हूं आपको वो चीज़ फॉलो करना है। एक कॉपी ले लो, लिख लो अच्छे से क्या क्या चीज़ फॉलो करने, कौन कौन सा मैंने मेन पॉइंट बताया है। अब मैं बताता हूं लैंडिंग का देखो मैं आपको पूरा भाग के नहीं दिखा रहा, पहले समझा रहा हूं, मैं खुद जंप करके भी दिखाऊंगा आपको, ठीक है। आपको क्या है, बंदा जैसे भाग के आ रहा है, ठीक है, भाग के आया, खड़ा खड़ा कूद गया, समझ रहे हो। आप खुद सोच के देखो, आप लैंडिंग खड़े खड़े लोगे तो जंप कहाँ से बढ़ेगा, आप खुद सोच के देखो। और जैसे आप खड़े खड़े यहाँ पर आए और पैर को आगे खींचोगे तो इतना फर्क पड़ सकता है। देख लो, पहले हम यहाँ पे आए थे, अब यहाँ आ रहे हैं, तो लैंडिंग का इतना फर्क पड़ सकता है। आपको मैं एक उदाहरण समझाता हूँ, उदाहरण देखना। ये उदाहरण आया, ठीक है, भागा, ये खड़ा कूद गया, ठीक है। ये चीज़ जान उतना ही लगाऊंगा, यहाँ तक कूदा। अब मैं दिखाता हूँ लैंडिंग पूरी खींचने की कोशिश करूँगा, गिरने की कोशिश करूँगा मैं, ठीक है। ये भागा, ये गिर गया, आप खुद देख लो, फर्क देख लो, ये है और ये है। आपको मैं बता दूं, मैंने जान उतना ही लगाया, तो चाहे वीडियो पीछे करके देख लो, लैंडिंग से बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। लैंडिंग के ऊपर बताऊंगा मैं कैसे कैसे करना, लेकिन जो चीज आपको समझ में आ रहा है पॉइंट लिखते रहो। लैंडिंग आपको करना है, चाहे आप गिर के करो चाहे आप कैसे भी करो, ठीक है, लेकिन खड़े खड़े नहीं करना। हो सकता आपको 14 फीट खड़े खड़े जा रहा होगा, लेकिन और अच्छा इंप्रूवमेंट आ सकता है। लैंडिंग आपको गिर के ही करना है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, चाहे गर्ल्स हो चाहे बॉयज़ हो। तीसरा चौथा कमेंट ये आया था फाउल के ऊपर। फाउल हम थोड़ा बाद में जानेंगे, लेकिन आपको सबसे पहले ये जानना पड़ेगा हमारी जंप जाएगी कैसे, क्योंकि मैं अचानक से फाउल बता दूं तो आप समझोगे नहीं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो लैंडिंग की आपने बात करी थी, आपको स्टैंडिंग जंप पे फोकस करना है। स्टैंडिंग जंप किसे कहते हैं, ये करा ये, इससे क्या होगा दोस्तों, आप खड़े खड़े जो करते हो आप आगे खींचने की कोशिश करो, जब भाग के आओगे ना उससे आपका फ़ायदा बढ़ जाएगा, ठीक है। और लॉन्ग जंप की मैं आपको कुछ पॉइंट बता दूँ। सबसे पहले आपको फुल जो मतलब दूर सा भाग के आता ना वो नहीं करना, क्योंकि उससे क्या होगा, आप दूर से अचानक से भाग के आओगे तो आपके घुटने बोलेंगे। अगर आपको मालूम है आप कर रहे हो तो आपको घुटने दर्द होंगे, फिर कहीं ना कहीं दर्द हो रहा होगा। तो सबसे पहले आपको क्या ट्राई करना है, लॉन्ग जंप करना है बिल्कुल पास से, 6-7 स्टेप से। कैसे करना दिखाते हैं आपको, सबसे पहले मैं ये चीज़ बता दूँ, मैं कोई आपको पूरा करके नहीं दिखा रहा, मैं तरीका बता रहा हूँ आपको, ठीक है। सबसे पहले आपको ज़्यादा से ज़्यादा 4-5-6 स्टेप से करना है। स्टेप कैसे करना है,
ऐसे अपने अंदाजे से पास से करना है, देख देखो आप ऐसे यहाँ से हो, ठीक है। ठीक है दोस्तों, सेम टू सेम आपको ऐसे करना है। और बहुत लोगों का ये कोच रहा था भाई आपकी तरह साइकिलिंग घुमा नहीं पाते, भाई वो ध्यान देना ही नहीं आपको, वो मेरे को आदत है, ठीक है। मैंने क्या करा, पैर लंबे छोटे नहीं करे, आपको क्या करना, जैसे आप कह रहे हो चाहे कहीं भी पैर रखो, चाहे आप आ रहे हैं चाहे पीछे आए, पहले स्टार्टिंग में जंप करना है आपको। मैं फालतू बताऊंगा बाद में कैसे कैसे करना है, ठीक है। दो तीन जंप ऐसे करने के बाद आपको जाना है पीछे, जितना आपका रन में ना रन में कितना होना चाहिए, कम से कम आपका 25 से 30 मीटर के आसपास होना चाहिए, अपने अंदाजे से लगा सकते हो, ठीक है। तो आप लगाते हैं, तो सबसे पहले मैं बता दूं आपको, जब जंप कर रहे हो आप चाहे 25 मीटर से कर रहे हो चाहे 30 मीटर से कर रहे हो, मुझे मालूम है नापने नहीं देता, मैं आपको आगे बताऊंगा कैसे कैसे क्या करना है, ठीक है। आपको मैं ट्रेनिंग का बता रहा हूँ, जो 10-15 दिन बचे ना इस टाइप की ट्रेनिंग करनी है, और ज़्यादा जंप नहीं, 6-5 जंप बहुत है। आपको क्या ध्यान देना है, ये जो ये वाला कोन है मैंने लाइन लगा रखा है, एक बार ये पूरा देख लो, लॉन्ग जंप तक देख लो, ठीक है। तो ये कोन है, यहाँ से आपको पूरा होल ऑफ स्पीड, इतनी स्पीड होनी चाहिए 100 मीटर की, मतलब 100% आपको यहाँ से स्पीड होनी चाहिए। आप चाहे धूप से भाग के आ रहे हो चाहे कहीं से भी, यहाँ पे जब आने के बाद आता है ना आपकी स्पीड यहाँ पर मेन होनी चाहिए, ठीक है। फिर दूसरे पॉइंट में बात करो दोस्तों, आपको जो सबसे पीछे वाला कौन दिख रहा है वहाँ से आपको 70% स्पीड लेना है। फिर ये जो येलो कौन जो दिख रहा है आपको, ये जो यहाँ पर है यहाँ तक 70% से 80% के आसपास आना चाहिए। फिर ये जो ये वाला जो कौन दिख रहा है यहाँ पे आपका 100% स्पीड हो जाना चाहिए। 100% अगर स्पीड हो गया उसकी 8 से जंप दिखता है, कुछ ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। अब मैं आपको करके दिखाता हूँ कैसे करना है, जाओ भाई। हाँ दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, आपको फाउल नहीं देखना, कहीं से भी जंप आए कहीं से भी करना, सबसे पहले आप ये सोच लो, कहीं से भी जंप आए कहीं से भी करना, बस आपको ध्यान क्या रखना है, बोर्ड लाइन देख के आपको पैर लंबे नहीं करने और स्पीड स्लो नहीं करना, ध्यान सुन लो, पैर लंबे नहीं करने और स्पीड स्लो नहीं करना। अगर आपने ये गलती कर दी तो आपका फाउल वाला ही सिस्टम होते रहेगा। अगर आपने नहीं करा, बिना डरे वो कहीं से भी करना है, सबसे पहले बताता हूँ, आप मेरी जंप देखो, कहीं से भी आए पैर मुझे उससे मतलब नहीं है, मैं ठीक कर लूँगा अभी, देखना आपके सामने फाउल सुना। दोस्तों आपने देखा, मैंने कहीं नहीं देखा, ठीक है ना, मैंने बोर्ड पे देखा चाहे कहीं पे भी नहीं देखा, मैंने कहीं पे भी नहीं देखा, मेरे को मुझे नहीं मालूम कि पैर कहाँ से आया चाहे कहाँ से नहीं आया, ठीक है। आपको लगा होगा ये बोर्ड से आ रखा है, मैंने कहीं पे भी नहीं देखा। अब मैं आपको एक और वीडियो दिखाता हूँ, वो देखना अच्छे से। स्टार्टिंग मेरे से लॉन्ग जंप नहीं हुई इसमें ढंग से, लेकिन मैं आपको बस समझाना चाह रहा हूँ, फाउल के सिस्टम में समझाना चाह रहा हूँ, समझो मेरी बात। अब मेरे आस पास पैर कहीं पर भी आया, बस मैंने इसमें गलती क्या नहीं करी, सब कुछ परफेक्ट था, पैर लंबे नहीं करे यहाँ पर। अगर मैं यहाँ पर पैर लंबे कर देता तो ज़्यादा दिक्कत था, अगर मैं बोर्ड देख के स्लो हो जाता तो दिक्कत था, लेकिन अब आपका पैर आगे आया तो दिक्कत नहीं है। अब समझो मेरी बात को, अब क्या करना है आपको, मान के चलो आपका पैर ये आया है, ठीक है। आप यहाँ से नाप लो, ये एक स्टेप आप नाप के देखो, ठीक है, एक स्टेप आपका, और जहाँ पर आप भाग के आ रहे हो वहाँ से आपको एक स्टेप छोड़ो, डेढ़ स्टेप पीछे करना है, ठीक है, डेढ़ स्टेप पीछे करना है। जब आपका मान के चलो फिजिकल है, उदाहरण के तौर पर आपका फिजिकल है, रन में कैसे नापोगे, कुछ नहीं करना, ट्रायल जंप मिलता है, ट्रायल जंप मिलता है वो चीज़ करना है, कहीं पे भी आप सबसे पहले अपना निशान लगाना है जहाँ से भाग के आ रहे हो। मान के चलो उदाहरण के तौर पर आपने कहीं पर भी निशान लगा लिया, मुझे मालूम है निशान लगाना है, कहीं से भी निशान लगा लिया, कहीं पर भी लगा लिया, नापने नहीं दिया, कहीं से भी भाग गए, कहीं से भी भाग रहे हो, तो यहाँ पे पैर आ गया। बस आपको ध्यान रखना है पैर लंबे और छोटे वोटे नहीं करने। अगर आपका मान के चलो, अगर ईमानदारी से आपको फील हो रहा हुआ कि मैंने छोटे लंबे ये सब नहीं करे हैं, तो आपका मान के चलो पीछे आगे आ गया, तो आप वही उतना पीछे कर लो, आपका फाउल इसमें सुधर जाएगा। और फाउल सुधारने का एक तरीका और है, मान के चलो आप जहाँ से भागते हो, जहाँ से आपका बोर्ड है, ये जो आपका बोर्ड है, आपको क्या करना है, जैसे आप भागते हो, आप अगर ऐसे भागते हो तो ऐसे भागना है, अगर ऐसे भागते हो तो ऐसे भागना है, ठीक है, अगर ऐसे भागते हो तो ऐसे भागना है, यहाँ से आपको भागना है, जैसे कि आपको मान के चलो आपको अंदाजा है कि हमें कितनी दूर से लेना है, भागते भागते हल्का टेक ऑफ दे, ठीक है, आपको लगा कि हाँ भाई टेक ऑफ यहाँ पर, उससे बस थोड़ा सा पीछे करना है, ठीक है, आपका ये फाउल वाउल सब सुधर जाएगा। 3-4 पॉइंट याद रख लो, फाउल सुधर जाएगा, जंप सुधर जाएगा, जंप भी सुधर जाएगा काफ़ी, 2 से 3 फीट आपका इंप्रूवमेंट काफ़ी हद तक हो जाएगा। पहला पॉइंट, जब भाग के आते हो पैर लंबा नहीं करना, लंबा कर दिया 2 से 3 फीट कम हो गया, ठीक है। भाग के आते हो नीचे नहीं देखना बोर्ड को, नीचे देखोगे तो मान लीजिए स्पीड डाउन,
20 है, जब भाग के आते हो आपने टेकऑफ पे हाइट लगाया, अगर हाइट नहीं आया तो आप लगा सकते हो, यहाँ से उछले और लैंडिंग गिर के ही लेना है आपको, खड़े खड़े लिया तो जब मान के चलो 2-3 फीट कम है, तो आप सब क्लियर, मैं ये कर रहा हूँ ठीक है। और नेक्स्ट पार्ट आप दे सकते हो।